प्रदेश में जहां कोविड-19 ने अपने पैर पसार रखे हैं, तो वहीं गरीब, जरूरतमंद और दिहाड़ी मजदूर वर्ग पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। इसी को लेकर उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत और विधायक बाबूलाल नागर की देखरेख में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मनरेगा के तहत कार्य शुरू करवाकर मजदूर वर्ग को राहत देने का फैसला लिया गया। साथ ही एसडीएम शेखावत ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपखंड की 40 ग्राम पंचायतों में लगभग 40,000 मजदूरों को कार्य मिले, साथ ही कार्य योजना के तहत कार्य भी करवाए जाएं। के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब के निर्देश हैं कि जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा नरेगा की जो लेबर है वो डिप्लॉय की जाए। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर की एक मीटिंग माननीय विधायक महोदय ने बुलाई थी। मीटिंग में सभी पंचायती राज से जुड़े हुए अधिकारी थे। हमने ये तय किया है कि दूधों में पूरे जयपुर में सबसे ज़्यादा नरेगा की लेबर लगाई जाए। अभी हमारे यहाँ महज 7,000 लेबर लगी हुई है। इसको अगले पखवाड़े में 20,000 तक पहुँचाए और उससे अगले सप्ताह में हम तकरीबन 21 दिन में हम पूरी की पूरी 40,000 लेबर यहाँ पे डिप्लॉय करें। यदि हम लेबर को लगाने में सक्षम रहे तो लोगों के पास पैसे की आवक ज़्यादा रहेगी, इससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, गरीब को सहारा मिलेगा, गांव में काम